तो है भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो देखो यहाँ पर यार फ्री फायर में आजकल हमको बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, वो है नेटवर्क कनेक्शन एरर वाला प्रॉब्लम। एंड सच में यार ये वाला प्रॉब्लम जब हमको फेस करने को मिलता है ना, दिमाग का एकदम ऐसा का तैसा हो जाता है। यहाँ पर यार गेम खेलने का दिल नहीं करता क्योंकि ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता जल्दी से। एंड जब दोस्तों के साथ गेम खेलने की बारी आता है ना, तब यहाँ पर अगर ये गेम प्ले में यहाँ पर हमको ये वाला प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है ना, तब तो यार दिमाग अलग ही लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब अलग ही लेवल का ही गर्म हो जाता है। यहाँ पर हम समझ चुके हैं ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा ही वाहियात है, बट इस प्रॉब्लम को कैसे हम जड़ से एकदम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बोलने से तो नहीं होगा ना भाई, करना भी तो पड़ेगा कुछ काम। तो देखो अगर इस प्रॉब्लम को तुमको सॉल्व करना है ना, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को तुमको करना पड़ेगा। अगर कर लेते हो तो मैं यहाँ पर तुमको डेफिनेटली बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम काफी हद तक, मतलब यहाँ पे 99% तक तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। एंड 1% अगर सर्वर में कोई ग्लिच होगा तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, बाकी यहाँ पर अगर सर्वर में ग्लिच नहीं होगा तब तुम्हारा 100% मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर ज्यादातर टाइम में तो सर्वर में कोई इशू के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स करने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जस्ट ये समझ लो, आज का जो वीडियो है वो तुमने क्लिक कर दिया है, अभी तुम इस वीडियो को देखो, बस यहाँ पर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन एरर वाला प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। एंड यार डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 1 जो स्टेप आता है, तुमको यहाँ पर करना पड़ेगा क्लियर डाटा एंड फोर स्टॉप। तो इसको कैसे करते हैं, तो सिंपली तुमको अपना जो फ्री फायर का आइकन होगा उस पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के साथ ही वहाँ पर एक अबाउट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर फ्री फायर के सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद तुमको स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज पे जाना पड़ेगा, देन यहाँ पर तुमको मिल जाएगा यार क्लियर डाटा करने का ऑप्शन, तो क्लियर डाटा कर देना। उसके बाद यहाँ पे निकल जाना, निकल जाने के बाद ही तुमको देखने को मिलेगा फोर स्टॉप, मतलब पहले ही मिल जाएगा देखने, तो चाहो तो पहले फोर स्टॉप कर लो, नहीं तो बाद में फोर स्टॉप कर लो, एक ही बात है। एंड सेकंड स्टेप में तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ना, तुमको एपीएन को रीसेट करना पड़ेगा। अभी एपीएन को कैसे रीसेट करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर तुमको सिम एंड सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सिम सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर तुमको मिल जाएगा एपीएन रीसेट का सेटिंग्स। अभी इन प्रोसेस को कैसे करते हैं वो मैं तुमको जरूर से दिखा दूंगा, तो स्क्रीन पे नजर डालो कैसे क्या कर रहा हूँ उसको देखो, तो यहाँ पर तुम समझ जाओगे कैसे एपीएन रीसेट करते हैं। अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको फोन को रिस्टार्ट मारना पड़ेगा, तो सिंपली रिस्टार्ट मार लो। रिस्टार्ट मारने के बाद यहाँ पर तुम चेक करो तुम्हारा ठीक हो गया क्या, अगर नहीं हुआ है तो और भी देखो वीडियो को आगे तक। यहाँ पर तुमको यार कंपनी को फोन करना है, कंपनी का नंबर क्या है 198 तुमको डायल करना है। डायल करने के साथ यहाँ पर कंप्लेन भी राइज कर सकते हो, बट मैं तुमको बोलूंगा जस्ट यहाँ पर कॉल करो 198 पे, बस यहाँ पर तुम गेम खोलने का ट्राई करो। एंड यहाँ पर गजब लेवल का गैंगस्टर लेवल का फील आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम जब भी कॉल करोगे तुम्हारा यार काफी हद तक नेटवर्क इशू फिक्स हो जाता है, तुमको गैंगस्टर वाला फीलिंग आएगा। तो देखो यहाँ पर इतने सारे स्टेप करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा भाई, यहाँ पर मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो तो हॉटस्पॉट का यूज करो, हॉटस्पॉट मीन वाईफाई, अगर तुम्हारे पास है तो बढ़िया बात, नहीं है तो दोस्त का वाईफाई यूज करो। एंड दोस्त का वाईफाई नहीं है तो कोई बात नहीं, दोस्त को बोलो अपना मोबाइल डाटा ऑन करने के साथ साथ हॉटस्पॉट को भी ऑन कर लेने का, और फिर यहाँ पर तुम वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लो, बस यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अभी अगर इतने सारे चीजें करने के बाद भी नहीं हुआ है ना, तो मैं तुमको एक ही से बोलना चाहता हूँ भाई, फोन को साइड कर दो, भगवान भी बोल रहा है भाई गेम बंद कर दे, कितने देर गेम खेलेगा यार, जस्ट किडिंग यार। यहाँ पर तुमको जस्ट चेक करना है तुम्हारे हॉनर स्कोर को, अगर हॉनर स्कोर बहुत ज्यादा कम होगा ना, तब तुम सीएस खेलने का ट्राई करोगे, तब यहाँ पर तुम्हारा सीएस नहीं लगेगा, तो हॉनर स्कोर को भी चेक कर लेना। अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाना चाहिए, अभी इसके बाद कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो सर्वर का कोई इशू है, तो थोड़ी देर बाद प्रयास करना। तो चलो अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो बाय बाय एंड सायोनारा।